हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 10th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। देखिए, पहले क्या होता था कि टीएमए वाले चैप्टर्स कुछ नहीं होते थे। पहले क्या होता था, डायरेक्टली आपको पूरा 100% सिलेबस पढ़ना होता था, ठीक है। ये 26 चैप्टर आपको पूरे पढ़ने होते थे, बट अब क्या है, सिलेबस रिड्यूस कर दिया 40%। अब कौन से स्टूडेंट को ये पढ़ना है, कौन से स्टूडेंट को ये वाला पढ़ना है, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, इस पर बात करेंगे। एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है। अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी, मतलब बराबर के पूछे जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पहले क्या होते थे कि 8-10 क्वेश्चन पूछ लिए, अब ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपके लिए पास होना बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। ऐसा अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप, पहले ऐसा होता था कि आप कुछ चैप्टर से अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे आप उनको करते थे, एग्जाम में पास हो जाते थे, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। पहले ये समझे कि एनआईएस में दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक आपके होते ऑन डिमांड वाले, मतलब जिनका रेफरेंस नंबर या तो आपके डी से स्टार्ट है या सी से स्टार्ट है, ठीक है। मतलब जिनके एग्जाम या तो जैन से मार्च में कराए जाते हैं, या फिर जिनके एग्जाम कराए जाते हैं जून से सितंबर के बीच में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे ऑन डिमांड के होते हैं और इनको यहाँ पर आपको टीएमए का बेनिफिट नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट है, आपको ये चैप्टर्स को भी पढ़ना होगा और ये 60% सिलेबस को भी आपको कवर करना होगा, ठीक है। लेकिन आपके जो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, सब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो अभी ऑन डिमांड का कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है कि आपके पेपर का पैटर्न क्या होगा। लेकिन हाँ, जैसे ही अभी इसमें 2024 में एग्जाम देने वाले बच्चे, उससे पता चल जाएगा हमें, तो उसके बारे में आपको चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आने वाली वीडियोज में। देखिए, अभी अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। अब आपको क्या करना है कि अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका आता है ऑन डिमांड वाले बच्चों का, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपसे इस चैप्टर से, मान लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से आपसे क्या किया जाएगा कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा और उसमें से क्या किया जाएगा, आपसे चार ऑप्शन दे रखे होंगे ए बी सी और डी। इनमें से क्या होगा कि एक चार आंसर होंगे एक ही क्वेश्चन के, लेकिन वो क्या है कि उनमें से एक करेक्ट होगा, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। आप ये जब फाइंड आउट कर पाएंगे आंसर को, करेक्ट आंसर आप तब फाइंड आउट कर पाएंगे जब आपने चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। मैथ में कुछ लर्न करने जैसे तो होता नहीं है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आप हमारे ऐप कोर्स क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। देखिए, दूसरे स्टूडेंट होते हैं जिनका रेफरेंस नंबर या तो ए से स्टार्ट है या तो एन से स्टार्ट है। ये पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट होते हैं जिनके एग्जाम आपके या तो अप्रैल से मई में कराए जाते हैं, या फिर आपके एग्जाम कराए जाते हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। ये स्टूडेंट हमारे पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट होते हैं और इनको टीएमए का बेनिफिट मिलता है। अब अगर आपको टीएमए का बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको ये वाला 40% सिलेबस नहीं पढ़ना, यानी कि 10 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो ये अब जो भी पब्लिक एग्जाम में बच्चे एग्जाम देंगे, उनके लिए पास होना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आपका इतना सिलेबस रिड्यूस कर दिया। अब आपको पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट को सिर्फ ये 16 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके लिए पास होना तो बहुत आसान हो गया है। तो आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हेल्पफुल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाले टाइम में और भी हेल्पफुल वीडियोज आपके लिए आने वाली हैं, तो वीडियो आपको तभी मिल पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।